सो मार्क्यू एक फ्लिपकार्ट का ब्रांड जो कि जस्ट लॉन्च एक टीवी शो कर रहा है एंड वो एक 32 इंच का टीवी है लेकिन ऑफर वगैरह मिलाकर आपको 12,599 में मिल जाएगा वरना विदाउट ऑफर आपको 13,999 में मिलेगा। सो दोस्तों अगर बात करें इस टीवी में क्या क्या है डिटेल में तो चलो स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। तो पहली बात 32 इंच का एक डिस्प्ले साइज है जो कि एक फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ आता है लेकिन थोड़ा सा डिक्रीज किया है प्राइस कट करने के लिए जो कि एक VA पैनल जो कि IPS पैनल वगैरह होता तो व्यू और भी ज़्यादा बढ़िया होता और IPS का थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है सो उसको माइनस करने के लिए VA पैनल प्रोवाइड किया हुआ है लेकिन इतना भी बुरा पैनल नहीं है आप इजीली यूज़ कर सकते हो। और उसके साथ साथ एक 165Hz का एक टीवी है जो इतना ज़्यादा रिफ्रेश रेट के साथ आता है सो आप गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो। अगर आप PC गेमिंग के लिए बजट सेटअप बनाना चाहते हो तो इस मॉनिटर को आप चूज़ कर सकते हो जो कि एक बड़ा साइज मॉनिटर है लेकिन गेमिंग में उतना कलर वगैरह मैटर नहीं करता है तो VA पैनल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इधर आपको 16.7 मिलियन का कलर तो मिलेगा ही मिलेगा उसके साथ साथ रिफ्रेश रेट जो कि रिस्पॉन्स रेट है रिस्पॉन्स टाइम है 1 मिलीसेकंड का है और रिफ्रेश रेट है वो 165Hz का है सो गेमर के लिए ये दोनों ही चाहिए एक रिफ्रेश रेट और एक रिस्पॉन्स टाइम तो दोनों ही बढ़िया है इस बजट में। 300 nits का ब्राइटनेस है सो एक डेस्कटॉप मॉनिटर के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस है और उसके साथ साथ 178 डिग्री तक व्यूइंग एंगल है सो आप 178 डिग्री तक उसको क्लियरली देख पाओगे और इस बजट में बेजललेस डिज़ाइन के साथ आता है। सो चलो अब थोड़ा केयर करते हैं आँखों की तो इधर आपको एंटी ग्लेयर का कोटिंग मिल जाएगा उसके साथ साथ एक फ्लिकर फ्री डिस्प्ले है और इधर आपको लो ब्लू रे का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा उसके साथ साथ एडेप्टिव सिंक है और पीछे आपको थोड़ा बहुत लाइटिंग वगैरह देखने को मिलेगा। और ये वाला मॉनिटर आता है वेजा माउंट के साथ जो कि 100mm x 100mm है उसके साथ साथ अगर आप वेजा माउंटिंग नहीं कराओगे तो आप मेटल स्टंट मिल जाएगा उसके साथ। दोस्तों अगर पोर्ट्स और स्पीकर की बात करें तो इधर आपको बिल्ट इन 2 स्पीकर्स मिल जाता है जो कि मॉनिटर में है एंड मॉनिटर में स्पीकर हो गया तो थोड़ा टीवी के साइड चला गया मॉनिटर और टीवी। सो इसके साथ आपको 2 DP 1.4 का पोर्ट मिल जाएगा 2 HDMI 2.0 का सपोर्ट मिल जाएगा ऑडियो आउट का एक पोर्ट मिलेगा एंड दोस्तों जो पैकेजिंग आता है उसके अंदर आपको DP पोर्ट नहीं मिलेगा। कितना लॉयल ब्रांड है खुद मेंशन कर दिया है कि हम DP पोर्ट नहीं भेजते हैं हम 1.5 मीटर का HDMI पोर्ट भेजते हैं। सो कंक्लूजन की बात करें तो VA पैनल को छोड़कर बाकी सब बढ़िया चीज़ है और अच्छा ही है इस बजट में 32 इंच है अच्छा ही है तो आप टीवी के तरह भी यूज़ कर सकते हो मॉनिटर के तरह भी यूज़ कर सकते हो कुछ भी करो आपकी मर्जी। सो लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप उधर से चेकआउट कर सकते हो एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए टाटा।